हाय फ्रेंड्स, आज एक नए व्लॉग के साथ आपका शफी खान हाजिर है। आज का व्लॉग है खम्मम मुनीर ब्रिज का। ये खम्मम में बहुत अरसे के बाद इतनी जोरदार बारिश, लगातार 4-5 दिन से जो है बारिश है, करीब 4 दिन से तो है। बारिश की वजह से मुनीर ब्रिज, जो खम्मम का मशहूर ब्रिज है, उसमें जो है फुल पानी जो है सो बहुत आ गया। इधर लोग नज़ारे देखने के लिए, पानी के एंजॉयमेंट लेने के लिए बहुत से लोग आए। इधर कार में जा सकते हैं या नहीं इसका भी मालूम नहीं है, क्योंकि ब्रिज भी ओवरफ्लो होने के भी चांसेस है, इसलिए हम लोग बाइक पे निकले आज। आज मेरे साथ में हमारे दोस्त जनाब अनवर साहब है, इनके साथ जो है सो आज नया ब्लॉक में नए साथी के साथ आपका एंजॉयमेंट करेंगे। आपको नए नए नज़ारे और वाटर का नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता, वाटर फ्लो जो होता है उसका पूरा जो है सो नज़ारा देते हुए आपको जो है आपको आगे बढ़ाएंगे। ये हम पहुंच गए मुनीर ब्रिज के करीब। खम्मम का मशहूर ब्रिज है ये प्रकाशम नगर ब्रिज पार होने के बाद में कोदार क्रॉस रोड से पहले जो है आता। इसमें खम्मम में मुसलसल 4 दिन से बारिश लगातार है, इससे इसका पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया और जो है सब थोड़े घटा भी डूब गए इधर करीब करीब के। ये मैं आपको वहाँ से वॉइस नहीं दे सकता हूँ, इसलिए यहाँ से बोल रहा हूँ। करीब बहुत पब्लिक बहुत है, बहुत से लोग जमा हुए हैं। ये आपको आगे का नजारा दिखा। अब हम लोग पहुंच गए मुनीर ब्रिज पे। ये पानी का फ्लो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत साल के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद ये फ्लो दिख रहा है आपको पानी का। ये तेजी से आ रहा पानी देख सकते हैं, तकरीबन 20 साल के बाद सेम ये फ्लो। हमारे बचपन में ऐसा एक बार हुआ था अभी हम प्रकाशनगर ब्रिज के बीचों बीच है, जो कोदार क्रॉस रोड के करीब पड़ता। वहाँ पे आप पानी का फ्लो देख सकते हैं। ये फ्लो देखने से ऐसा लग रहा है कि बड़ी नदी के पास खड़े हुए हैं या समंदर के लहरें जैसे जो पानी उठ रहा है। देखिए अब ज़बरदस्त बहाव है पानी का। ये पिछली बार 2009 में आया,
उसके बाद ऐसा फ्लो देखने को कभी भी नहीं मिला, ऐसे फ्लड खम्मम में देखने को नहीं मिले। एक बार हमारे बचपन में 25 साल पहले 20 साल पहले ऐसा आया था, उसके बाद अब 2020 में ये पानी का बहाव देखने को मिल रहा। उधर देखिए राइट साइड में ये जो दिख रहा है आपको, वो ब्रिक्स बनाने का जो है सो फैक्ट्री है। ये तकरीबन जो है सो ब्रिक्स पूरे जो है पानी में डूब गए। उधर पीछे की तरफ आधे ब्रिक्स जो है पानी में डूब गए। ये पूरा जो है ये फ्लड की वजह से हुआ। खम्मम में मुसलसल 4-5 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से लग रहा है कि कोई समंदर में खड़े या कोई नदी के पास, नदी के किनारे पे जो है सब खड़े हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा। ज़बरदस्त पानी ही पानी, इसमें घर भी डूब गए, झाड़ा भी देख सकते हैं आप, आधे आधे थोड़े झाड़ मार ले गए पानी के बहाव में जो है सो बहते हुए जा रहे हैं। ये देखिए आप, लहरों की तरह जो है पानी उठ रहा, सही समंदर का व्यू दिख रहा है। ये तो खम्मम में हालांकि समंदर नहीं है, मगर जो बीच को अभी तक नहीं गए या बीच नहीं देखे उन लोगों के लिए समंदर का नज़ारा है ये। एक बार फिर से मैं आपको ब्रिक्स का जो है, ब्रिक फैक्ट्री का जो है सो क्लोजअप में दिखाता हूँ। देखिए देखिए तकरीबन डूब गए। ये देखिए ब्रिज के उस तरफ का सेकंड साइड, देखिए जबरदस्त पानी भी पानी, हर तरफ पानी है। देखिए ये झाड़ा आधे आधे डूब गए। ये ब्रिज के एड्स से दिखा रहा हूँ ताकि आपको महसूस हो कि पानी का कितना बहाव है। देखिए लग रहा है कि हम भी मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा पानी के साथ। ये देखिए दूर दूर तक, किलोमीटर तक जो है पानी फैला हुआ है। हालांकि बीच में जो ये मिट्टी का पहाड़ है वो भी तकरीबन डूब गया। और बीच में और एक ब्रिज आती, वो कौन सी ब्रिज बोले तो मुन्नेर ब्रिज बोलते हैं। वो ब्रिज पुरानी होने की वजह से वहाँ से रास्ता बंद कर दिए बोल के सुना हूँ। अभी उस तरफ भी जा रहा हूँ, उस तरफ का भी जो है सो आपको व्यू दिखाता हूँ सही में रास्ता बंद हुआ या नहीं, ये दिखाएंगे। ये देखिए झाड़ पूरे जो है, झाड़ जो है सो आधे आधे डूब गए। बड़े बड़े झाड़ जो है सो पानी में मार लेते हुए बहाव में जो है बहते हुए चले जा रहे हैं। बड़े बड़े लॉक्स जो पेड़ के लॉक्स रहते हैं वो भी जो है सो पानी के बहाव में जो है सो बह जा रहे हैं। ये भी आपको एड्ज से जो है सो दिखा रहा हूँ मैं, और एक दूसरी तरफ से इसका बहाव देखिए। पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अरसे में एक बार जो है सो ऐसा दिखता है ये व्यू। हमेशा जो है सो इतनी बारिश खम्मम में नहीं होती। देखिए आप यहाँ पे फैमिलीज भी जो है सो, कैमरा ऊपर से है, आपको वॉइस सही नहीं आ सकती, नहीं आ रही होंगी, मगर क्यों बोले तो यहाँ पे आवाज ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है और जो है पानी का बहाव ज्यादा है, इसकी आवाज ही ज्यादा है। आप पूरा जो है सो
पीछे हमारे पीछे पूरा पानी पानी देख सकते हैं आप। ये हमारे दोस्त अनवर साहब है, ये ब्लॉग में शामिल हो गए, वाटर ब्लॉग, ये जो सब मुन्नेर ब्लॉग है, जबरदस्त। हम लोग मुन्नेर ब्रिज के करीब है, मुन्नेर ब्रिज है ये, खम्मम सायराम थिएटर से मुन्नेर ब्रिज का रास्ता है। ये रास्ता पूरा जो ब्लॉक कर दिए, पूरा जो है सो नो एंट्री एरिया बना दिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरे बैरिकेड्स लगा दिए, एंट्री नहीं दे रहे पुलिस वाले। ब्रिज बहुत पुरानी है, पुरानी ब्रिज बनने की वजह से लगातार 5 दिन से बारिश होने की वजह से यहाँ से एंट्री नहीं दे रहे, गिरने के चांसेस बहुत है। यहाँ पे हमारे दोस्त अनवर फैमिली के साथ आए हुए हैं, बच्चे भी आए, आप देख सकते हैं उनके बच्चे भी जो फुल एंजॉय कर रहे हैं। अब हम आगे कर्णागिरी ब्रिज, ये कर्णागिरी ब्रिज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा ही रहता फ्लो बहुत ज़्यादा रहता, और जो है सब ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिए क्योंकि बीच में जो ब्रिज है मुन्नेर ब्रिज उसको जो क्लोज कर दिए पुरानी ब्रिज रहने की वजह से, इसलिए जो है ट्रैफिक भी ज़्यादा है और जो है देखने वाले जो ये बहाव का एंजॉय और क्लाइमेट का एंजॉयमेंट लेने के लिए फैमिलीज़ के साथ जो आए हुए हैं खम्मम से और अतराफ के जितने भी जो है सो छोटे मोटे विलेजेस है वहाँ से आके जो है सो पूरी वीडियो शूट और जो है सो फोटोज़ ये पूरा जो है सो ले रहे हैं। और हल्की बारिश भी है, अभी बारिश में भी जो है सो उसको भी जो है सो नज़रअंदाज करते हुए पूरा जो है सो ये बहाव देखिए आप। ये पूरे जो फैमिलीज़ के साथ हमारे दोस्त भी जो फैमिली के साथ आए, बच्चे उनके साथ में है, और देखिए ये राजीव गृह कल्पा यानी गवर्नमेंट के हाउसेस है, वहाँ पे कर्णागिरी ब्रिज है। ये चार ब्रिजों से जो है सो ये मुन्नेर का जो बहाव है चार ब्रिजों से होता, एक जो है प्रकाश नगर जो पहले दिखाया, दूसरा जो है मुन्नेर ब्रिज, तीसरा जो है कर्णागिरी अब जो जहाँ पे खड़े हुए हैं वो, और उस तरफ राइट साइड में और एक ब्रिज है वो दानवाई गुड़म ब्रिज बोलते हैं, आप हल्की तरीके से देख सकते हैं। पूरा जो है सो क्लियर व्यू तो नहीं रहता, बहुत दूर पे है वो। ये देखिए ट्रैफिक पूरी जो है सो डाइवर्ट कर दिए गए इधर से, बीच में जो मुन्नेर ब्रिज है वो बंद करने की वजह से। मुन्नेर ब्रिज बहुत पुरानी है इसलिए जो है सो उसके गिरने का भी ख़तरा रहता, एक्सपायर हो गई, इसलिए जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिए नए ब्रिजों से। देख सकते हैं आप लोग जो है नज़ारा करते हुए, इसका भरपूर जो है सो मज़ा उठाते हुए लोग डेप्थ देख रहे हैं ऊपर से जो है कितना पानी ब्रिज के कितना करीब है इसका अंदाज़ा लेते हुए, रस्सियों के रस्सी को पत्थर बांध के जो है सो छोड़ रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है। ये देखिए ट्रैफिक भी जो है सो ज़्यादा इधर से डाइवर्ट कर दी है, ये करीब है, बिल्कुल करीब है, ट्रैफिक ज़्यादा है, पानी है नदी के, देखने वाले भी ज़्यादा है, रुक रुक के देख रहे हैं, साथ में बच्चे भी गाड़ियों पे जा रहे हैं वो भी जो अनवर हमारे दोस्त के लड़के हैं,
थोड़ा बारिश भी हो रही है इसलिए कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल करीब, बिल्कुल बहाव के करीब। यहाँ पे एकदम करीब आ गए, जो पानी का बहाव है उसके बिल्कुल करीब। क्लोजअप में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल करीब आ गए। नीचे की तरफ खड़े हुए हैं आप, ताकि नज़ारा कर सके कितना पानी है इधर। झाड़ा देखिए आप कहाँ तक डूब गए। बस आज के व्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, शब खैर।